कि जो ये आप बोल रहे थे ना कि ये इंटरनेट बंद कर रखे, एक मिनट कुछ कुछ हाँ मैं पूछ रहा हूँ। ये देखिए हम 5-6 दिन से यहाँ पे हैं, पिछले हफ्ते भी 2-3 दिन लगा के गए, 2 दिन के गैप चले गए पंजाब, फिर हम 3 दिन से यहाँ पे। ये जैमर 3 दिन पहले नहीं था यहाँ पे। अब इसका एक ही मकसद हो सकता है कि ये जो यहाँ पे लोग हैं जो किसानों की मदद में आते हैं, किसानों के आंदोलन को मजबूत करने के लिए आए हैं, चाहे डॉक्टर पेशे के लोग हैं या कोई और एनजीओज हैं, उनकी बात जो वो कर रहे हैं वो आवाम तक ना पहुँचे। इनका जो दुख दर्द है, जिस हालात में किसान यहाँ रात में ठंडी में मच्छर में ये बीमारियों में और तरह तरह की दिक्कतों में जो रह रहे हैं 24 घंटे यहाँ पे अपना अपने आंदोलन के कारण, उनकी सही बातें जो है ना वो देश के अवाम के नज़र में ना आए। ये जैमर लगा, इंटरनेट नहीं चलता, मोबाइल नहीं चलता, टेलीफोन नहीं चलता, कुछ नहीं चल रहा यहाँ से, ना लाइव हो सकते हो आप, इंटरनेट को डाउनलोड करने में यहाँ कोई 1G 2G 3G 4G कुछ भी नहीं, सब जैमर के थ्रू माध्यम से बंद कर रखे हैं। ये एक आज़ाद मुल्क में एक नागरिक के अधिकारों का हनन है, ये ऐसा नहीं हो सकता। सरकार नहीं कर सकती किसी भी तरह से, पर कर रही है। इसका मतलब यही है कि ये लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है, अधिकारों का नागरिकों का हनन है कि किसान भी बैठे हुए हैं। सरकार को बात सुननी चाहिए, ये कोई कोरिया के नागरिक नहीं है, ये इसी भारत देश के बसिंदे हैं, अन्नदाता हैं ये। अगर ये अन्न खेतों में नहीं उगाएंगे, अगर अन्न ही आप वो आप नहीं उग पाएगा, उनको दुखी करेंगे तो खाएंगे क्या? ये महीने 2 महीने बाद भंडार खत्म हो जाएंगे, सब मर जाएंगे ये ऐसे ही। अरे उनकी बात तो सुनिए आप, इतनी जिद किस लिए? ये कोई मामा फुफड़ का खेल थोड़ा है ये, अरे देश के नागरिकों का है, देश का सवाल है ये। आपको क्यों लग रहा है कि सरकार क्यों रोक लगा रही है इतना समय से, क्यों नहीं काम करने दे रही है? सरकार की मानसिकता साफ नहीं है और वो एक ग्रुप को अपने आप को ये मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ, सरकार ने देश के ऊपर नजायज कब्जा करके रखा हुआ है। जैसे किसी के प्लॉट के ऊपर, किसी की जायदाद के ऊपर नजायज कब्जा होता है, चाहे वो ईवीएम के माध्यम से है या जैसे है। मैं थोड़ा हट के जरूर बोल रहा हूँ पर यही सच्चाई है, अवाम नहीं बोलेगा। मैं एक इंटेलेक्चुअल हूँ, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं सब समझता हूँ। सो आज हम डॉक्टरी पेशे की बात करें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बहुत कुछ ऐसा देश में वो कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। एक आदमी की जिद के आगे आप लाखों लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं, क्यों बने हुए हैं भाई? हमने क्या बिगाड़ा है? क्योंकि किसान ने अन्न उगाया, वो हल जोतता है, वो रात दिन मेहनत करता है, वो अपने बच्चों को छोड़ता है, परिवार को छोड़ता है और देश के जो दूसरे नागरिकों के बारे में सोचता है। इसलिए ये जैमर इसलिए खड़ा हुआ हुआ है कि किसानों की बात जो है देश के अवाम को ना पता चले, ये इसलिए सब हो रहा है। आप मोदी सरकार को क्या कहना चाहेंगे इस समय? हम यही बेनती करना चाहेंगे, उनसे निवेदन करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी से भी, उनकी पूरी कैबिनेट से भी, जो जो भी इसमें इन्वॉल्व है, कि किसानों के जल्द से जल्द इनको बुलाकर बात सुने और इनकी जो जायज मांगे हैं, हमें भी पता है, मैं भी किसान का बेटा हूँ, तो हमें भी पता है, बात ही नहीं करना चाहते और बात करने से पहले आपका स्थिति बना देते हैं ऐसी कि किसान बात ना कर पाए। ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन अपने नागरिकों के साथ, आप कोरिया के नागरिक थोड़ा, पाकिस्तान के थोड़ा, बांग्लादेश के थोड़ा, अरे भाई भारत के नागरिक हैं, उनके साथ बात करने के लिए भी आपको कंडीशन का जरूरत है क्यों? ये लोकतंत्र है, हर किसी को बात रखने का अधिकार है पूरी तरह से, तो रखे बात। आपका सुनना, आपका जो है ना वो आपको चुना इसलिए गया है कि आप नागरिकों की बात सुने और खास करके इस वक्त आप किसानों की बात सुने, क्यों नहीं सुन रहे आप? आपको क्यों लगता है कि सरकार क्यों नहीं सुन रही है, इसकी वजह क्या है? वो दबाना चाहती है, किसानी को खत्म करना चाहती है, किसानी को बर्बाद करना चाहती है, वो 57% पे 6% जो दुनिया में हो रहा है वो भारत में भी करना चाहती है। ये मॉडल तो फॉलो कर रहे हैं अमेरिका का, कनाडा का, यूरोप का, अरे भाई हमारे देश की स्थितियां बहुत फर्क में है, उनसे बहुत अलग से है। यहाँ गरीबी है, अनपढ़ता है, वो हर तरह का कोई फैसिलिटी नहीं है, हमें अपने हिसाब से चलाइए। आप अमेरिका को देखकर यहाँ लागू मत करें, वो नहीं है, वहाँ किसानी भी खत्म हो रही है, तो वहाँ भी उनका टारगेट यही कि 5-6% पे आ जाए और किसान एक मजदूर बन जाए, ये दोबारा से मजारा बन के रह जाए, ये मालिकाना हकूक खत्म कर दें इनके। जी शुक्रिया, थैंक यू।